हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक में पढ़ लिया था कि व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं, उसमें प्राथमिक व्यवसाय, उसमें द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय तक मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज हम टोटली डिस्कस करेंगे प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होते हैं, जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, वो कौन कौन से व्यवसाय होते हैं और जो व्यवसाय होते हैं उन व्यवसायों को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है और इसमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय में, तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है। ये जो रेड कॉलर वर्कर होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े रहते हैं और सीधे तौर पर संसाधनों का दोहन करते हैं। ये जो प्राथमिक व्यवसाय होता है, यह व्यवसाय अलग अलग रूप में कई प्रकार से देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय में आखिर के बारे में। आखिर का मतलब होता है हंटिंग या शिकार करना। विश्व में अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी पिछड़े हुए रूप में रहती हैं। ये जंगलों में, मरुस्थली भागों में या पर्वतीय भागों में रहकर के शिकार करती हैं। ये इनका जो जीवन होता है वो पूर्णतः शिकार पर टिका हुआ है। तो ऐसी जनजातियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से शिकार करती हैं, आखिर करती हैं और अपना जीवन यापन कर लेती हैं या करती हैं, वे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। ऐसी ही जनजातियों में पहले है एक्समो। एक्समो जनजाति उत्तरी ध्रुव पर रहने वाली जनजाति है और ये उत्तरी ध्रुव अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, कनाडा के पास वाला, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है एक्समो। और यहाँ पे रहकर के इसका जो संपूर्ण जीवन है वो मत्स्य पर या रेडियर पर या वहाँ पर जो छोटे छोटे जो अन्य जीव पाए जाते हैं उन पर पूर्णतः टिका हुआ है। तो आखिर में एक्समो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा सेमोन, आकूत, ये भी कुछ जनजातियाँ हैं जो कि स्कैंडिनेविया और साइबेरिया के क्षेत्रों में निवास करती हैं। यहाँ रूस के उत्तर वाले क्षेत्र को साइबेरिया का क्षेत्र कहते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र निकट पड़ता है। वही स्कैंडिनेविया में स्वीडन, नार्वे और फिनलैंड वाला जो क्षेत्र है वो आता है। तो इस प्रकार से सेमोन और आकृतिक जो जनजातियाँ हैं वो भी पूर्णतः एक तरीका से आखिर पर निर्भर होती हैं। वही हम लोग बात करेंगे बुशमैन के बारे में या पिग्मी के बारे में या पापुआ के बारे में, तो ये जनजातियाँ भी, अगर बुशमैन और पिग्मी की बात करेंगे तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अगर हम लोग देखें कालाहारी मरुस्थल, यहाँ आप अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे 8 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के मध्य यह कालाहारी मरुस्थल के बोचवाना लैंड में निवास करती है और यहाँ रहती है। इसी प्रकार से कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में, और न्यू गिनी पापुआ जनजाति पाई जाती है। ये सभी जनजातियाँ मुख्य रूप से आखिर या शिकार पर निर्भर होती हैं, जो कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसी कड़ी में अगर आप हम लोग आगे देखेंगे तो आगे है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है जंगलों में रहकर के कंद मूल फल को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उन्हें या तो मार्केट तक ले जाना या स्वयं का उपभोग कर लेना। तो संग्रहण की बात करेंगे तो संग्रहण में भी कई सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि कंद मूल फल वेरी इत्यादि इकट्ठा करती हैं। इसमें मलाया प्रादीप की बात करेंगे तो सेमम जनजाति और सकाई जनजाति इसी के अंतर्गत आती हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे अमेजन बेसिन में, तो बोरो जनजाति है जो पाई जाती है। बोरो जनजाति भी कंदमूल फल इकट्ठा करती है। इसी के अलावा कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जो जनजाति है उसका भी जीवन यापन है वो पूर्णतः संग्रहण पर टिका हुआ है। इसमें इसके आगे हम लोग देखेंगे प्राथमिक व्यवसाय में, तो अगला है मत्स्य पालन या मछली पकड़ना। मछली पकड़ने की बात करेंगे तो पूरे विश्व में अधिकांशतः वे देश जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं वहाँ मत्स्य पालन अधिक होता है या मछलियों को अधिक पकड़ते हैं। इन क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो उत्तरी प्रशांत का तटवर्तीय क्षेत्र, अगर हम लोग इस ग्लोब पर देख लेंगे तो ये प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर के, उत्तरी प्रशांत महासागर के जो ध्रुव में आप देख रहे हैं
इसके उत्तर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है, चाहे वो इधर में आपके चीन हो, जापान हो, इधर आप आएंगे इधर कैलिफोर्निया हो या इधर अमेरिका का भाग हो, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ पे मत्स्य पालन अधिक होता है या मछली पकड़ी जाती है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक के बारे में, तो उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत देखेंगे तो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कि ये वाला क्षेत्र है, ये यूरोप का पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर मत्स्य पालन अधिक होता है। इधर इधर उत्तरी उत्तर पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ भी मत्स्य पालन बहुत होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी ये मत्स्य पालन बहुत अधिक होता है। वहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और जापान में, एशिया में अगर देखेंगे तो यहाँ जापान के क्षेत्रों में भी मत्स्य पालन होता है। तो ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, और इस प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत तो यहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसी में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो पशुचारण का काम भी होता है। पशुचारण का जो काम होता है वह अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र जो होते हैं वहां भी ये पशुपालन होता है। अब इसमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे सवाना क्षेत्र है घास का, सूडान में पड़ता है, यहाँ पे पशुचारण का कार्य किया जाता है। लानोज जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ये भी ब्राजील में मिलता है, पार्कलैंड है, अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं जहाँ पशु चारण का कार्य किया जाता है। इससे आगे हम लोग देखेंगे शीतोष्ण घास के क्षेत्र, ये भी उन क्षेत्रों में पड़ता है जहाँ पर वर्षा केवल 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य हो पाती है, जहाँ पर वर्षा होने से केवल घास उगती है। ये हालांकि ये क्षेत्र गेहूं के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घास अधिक उगने से पशु चारण का कार्य ज्यादा होता है। इनमें टेरी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का है, पंपाच दक्षिण अमेरिका का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, अफ्रीका का वेल्ड है, मध्य एशिया का स्टेपीज है, आदि इसमें आते हैं। इसी के अलावा इसी में अगला है प्राथमिक व्यवसाय में कृषि के प्रकार। कृषि को अगर हम लोग देखेंगे किताब में तो इसमें करीब 9 प्रकार की कृषि दी गई है। मैं यहाँ केवल आपको नाम बता रहा हूँ, कल मैं आपको डिस्कस डीपी बताऊंगा वो 9 कौन सी कृषि होती हैं। तो केवल आप इतना समझ लें कि कृषि कई प्रकार की होती है। स्थानांतर कृषि होती है जिसे झूमिंग कृषि भारत में कहते हैं, एक जीवन निर्वाह कृषि है जिसको आदिम कृषि के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित कृषि होती है जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ किए जाते हैं, और भी कई होते हैं, डेयरी उद्यान कृषि भी होती है, ट्रक फार्मिंग कृषि होती है, कई सारी कृषियाँ होती हैं, इस पर कल हम डिस्कस डीपी बात करेंगे। इसके अलावा अगला है खनिज। खनिजों की बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो खनिज व्यवसाय होता है वो भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके भी दो भाग होते हैं, इसमें एक तो होता है धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं इसमें धातु पाई जाती है, चाहे वो लोहा हो चाहे वो एल्युमिनियम हो। एक अधात्मिक खनिज होते हैं जिसमें धातु नहीं होती है, चाहे वो नमक हो या अन्य रासायनिक तत्व हो। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक व्यवसाय हो गया। इसमें हमारा आखिर भोजन संग्रह, मछली पकड़ना, पशु चारण, कृषि के प्रकार और खनिज। कल हम लोग डीपी पढ़ेंगे कृषि के प्रकार।